नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एजुकेशन में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज की सबसे बड़ी जानकारी निकल के आ गई है। बिहार पुलिस होमगार्ड ड्राइवर यानी विज्ञापन संख्या 05/2019 के तहत जो वैकेंसी दी गई थी, इसका एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नोटिफिकेशन CHPC के ऑफिशियल साइट के माध्यम से अपलोड कर दी गई है, जिसके माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी देंगे और आप सभी को बताएंगे कि इस वैकेंसी का एग्जाम कितने परीक्षा केंद्र पर लिया जाएगा और इसमें टोटल कितने बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आप लोगों ने द एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग द एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, CHPC के ऑफिशियल साइट के माध्यम से विज्ञापन संख्या 05/2019 के तहत 1722 पदों पर जो वैकेंसी दी गई थी, इसका एग्जाम 3 जनवरी 2021 को लिया जाएगा और इसका एग्जाम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, यानी एक पाली में एग्जाम लिया जा रहा है, जिसका एडमिट कार्ड आप 10/12/2020 यानी इसी मंथ 10 दिसंबर को आप लोग CHPC के ऑफिशियल साइट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और OMR सीट की भी जानकारी इस साइट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा, इसकी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद इसमें टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो बिहार पुलिस संगठन के द्वारा चालक सिपाही के पद पर जो 1722 पदों पर वैकेंसी दी गई है, इसका एग्जाम 3 जनवरी को लिया जाएगा। टोटल 86 केंद्रों पर परीक्षा होगी और इसमें 55,054 अभ्यर्थी एग्जाम में भाग लेंगे। इन दोस्तों, इसमें 55,054 अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा और इसका एग्जाम 3 जनवरी को होगा। बाकी आगे की जानकारी आप लोगों को द एजुकेशन चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।